हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली जो इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत खास होने वाला है। तो टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका EPF कटता है तो आपको जो UN कार्ड होगा हैं वो आपको बार बार क्या कहते हैं वेबसाइट पर लॉगिन पासवर्ड करके डाउनलोड करना पड़ता होगा। इससे अच्छा कि आप उसे अपने इसमें ही सेव कर लें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, आपको जाना है सर्च में, यहाँ लिख देना है UN, ठीक है। जो पहला आ गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको यहाँ पे ये आएगा, इसे आपको सर्च कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ये आपका नाम शो होगा जो आधार कार्ड पे होगा, क्योंकि आधार से ही UN नंबर आपका जनरेट होता है। और यहाँ पे आपकी आएगी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ आपको डाल देना है अपना UN नंबर, ठीक है। जब आप ये कर दोगे तो और कर देना फिर गेट डॉक्यूमेंट। ये करने के बाद क्या कहते हैं OTP आएगा, OTP से वेरीफिकेशन होगी, कभी कभी नहीं लेता है, हैं तो वो कोई करवाने वाली बात है नहीं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो UN कार्ड है वो आपके इसी डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट में जो होता है यहाँ पे इशू डॉक्यूमेंट, ये वाला जो दिख रहा है इसमें आके सेफ हो जाएगा। मैं अपना खोल के आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेरा UN कार्ड है, ये मेरा दिख रहा है। अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये मेरा UN कार्ड यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे मैंने फ़ोटो नहीं, फ़ोटो उसमें लगाई है तो उसमें भी नहीं आई है। यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, फादर्स नेम आ रहा है, और क्या कहते हैं UN नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप सेव करके रख सकते हो, कभी भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये देखिए डिजिटल इशू लिखा है कि ये कब इशू हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना UN नंबर डिजी लॉकर में सेव कर सकते हो, कभी भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। इनके साथ आपका कोई डाउट बनता है तो हम लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नए ऐसे टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।